यहाँ से स्टार्टिंग है पहला रूम है एंट्री है और ऐसा है पूरा ये कवर्ड है मतलब तो यहाँ पे ए सी देख लो अपने पे ऐसे वॉशरूम है ये है वॉशरूम पूरा बैठने बैठने का है यहाँ पे भी सेट वेट का और ये ऐसे निकल के डबल बेड हो जाता है और ऐसे ये पूरा व्यू है ऐसे तो ही है फिर इसके बाद अगर आप मतलब दो फैमिली जा रखे हो एक साथ तो ये टीवी है यहाँ पे शायद वो है रूम रूम लॉक रहता है तो अगर एक रुक रखें हम जैसे अगर रुक रखें तो ये लॉक रहेगा अगर दो हैं जैसे आप भी अगर कोई भी आओगे तो ये खुल जाएगा और ऐसे ये दूसरा रूम भी पूरा सेम है बस वो मिरर टाइप मतलब मिरर वाली इमेज हो जाती है यहाँ पे तो यहाँ पे वही है बर्निंग वाला यहाँ पे ऐसी वो है गैलरी जिसमें बैठ सकते हो ये वही रूम वगैरह है और ये कबर्ड है यहाँ पे भी एक्स्ट्रा दे रखा है ये टेलीकॉम है सेम वॉशरूम और ये सारा भी सेम है बिल्कुल बस व्यू डिफरेंट है वहाँ से थोड़ा सा बाकी सारा सेम है तो ये ब्रिटिश वाला है तो अभी अभी आए हैं अभी चेक ही नहीं हुआ है सिर्फ और सारा सामान वामान आ रहा है अभी ये तो बैठने का झूला ऊला आराम से बैठो अपना ये स्लाइड है और ये तो भाई अपनी अलग ही मस्ती में है तो भाई आने टांग दिया ओए लग गई ओ भाई दोनों ने भाई ये तो गलत तो बात हैं टू भी टू वर्सेस बन हो गया यहाँ पे यस अब अब अपने आने दूंगा नीचे नहीं अरे यार तू तो क्या कर रही है साथ तू मत देना कर ये कर रही है ये तो तो हाथ लगा रही है उधर हाथ मत लगा इसका फर्क हाथ लगा रही नहीं नहीं हो गई। मत करना मत कर खड़ी उठी 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 अरे उठी जा तो अभी हम जा रहे हैं कहीं घूमने घूमने ऐसे ही जैसे सीतापुर में घूम रहे थे हम अभी भी घूमने जा रहे हैं कहीं मैं लड़कू गुड्डू की तरह ही हैं ये दोनों भी सेम सेम से ही हैं पता नहीं भाई क्या हो रहा है जहाँ भी हम जा रहे हैं कुत्ते मिल रहे हैं कुत्ते वाली मतलब फुल अच्छी किस्मत हो रखी है रे 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 मम्मी मम्मी को पसंद आया मेरे को तो भैया मेरे को भाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं ऐसे देखूँगा ऐसे और नीचे पूरा का पूरा नीचे होंगे सारे पेड़ वेड़ नीचे के सारे बादल वादर जितने भी हैं चलो वो लोकेशन पर ट्राई करते रुको या, भाई यार मेरे कैसे मालू होगा यार टोपी वोपी मत पहना करो यार सच्ची बता रहा हूँ दिमाग ख़राब हो गया टोपी पहन के सूरज है भाई यहाँ से सूरज इतना पास लग रहा है इतना पास लग रहा है ऐसे लग रहा है गायब पर नहीं हुआ ये पता नहीं कोई एक अलग सी बिल्डिंग सी बन रखी है छोटी सी पता नहीं कैसी बिल्डिंग है पर यहाँ पे थोड़ा आगे हल्दी वल्दी ये फसल वसल हो रखी है ये देखने के लिए देख रहे थे बड़ा अजीब सा इंटरेस्टिंग सा लग रहा था कुछ ये हट सी बना रखी है इतने पता नहीं ऐसे रास्ते के बीच में हट सी क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा पर भाई वो सूरज तो अलग ही दिख रहा है यार अब तो दिखना भी बंद हो गया आपको दिख रहा होगा हल्का सा दिखेगा वो रहा दिख रहा है भाई बहुत क्रेजी सूरज लग रहा है क्रेजी और ये देखो क्या हालत हो रखी गाड़ी की ये 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 टूरिस्ट की गाड़ी है टूरिस्ट परमिट वगैरह तो यहाँ पे भाई पूरा एयर बैग वगैरह सब कुछ खुल रखा है ये मेरे ख्याल से गलती से यहाँ से नीचे गिर गई है शायद हाँ भाई तो मैं तो मैं वही कह रहा हूँ अगर आओगे तो भाई अच्छे अच्छे किसी ड्राइवर के साथ आना या जिसको अच्छे से एक्सपीरियंस हो गाड़ी वाड़ी चलाने का या पहाड़ पर जिसे चला रख, चला रखी हो थोड़े टाइम तो भाई उसके साथ ही आना बिना उसके आओगे तो तुम्हें देख लिया भाई हालत क्या हो रखी है गाड़ी की भाई बहुत खतरनाक है और भाई यहाँ पे ना बिल्कुल भी, भी सड़क चौड़ी वाड़ी नहीं है जैसे सीतापुर वगैरह का तो वहाँ पर था ना वहाँ पे थोड़ी बहुत चौड़ी वाड़ी भी थी तो और ये ना मेरे ख्याल से गलत ले आया टूरिस्ट वाला ना गलत ले आया टूरिस्ट वालों ने कहा टूरिस्टर वगैरह ने कहा होगा कि यहाँ से ले लो यहाँ से ले लो उसने लिया और वो खाई में क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी यहाँ पे चलेगी नहीं क्योंकि देखो यहाँ पे ना चलने के लिए ये जेन ऑल्टो वगैरह ऐसी गाड़ी होनी चाहिए यहाँ पे वही कह रहा हूँ भाई मैं तो भाई जब भी आओगे किसी एक्सपीरियंस वगैरह के साथ आना वरना तुम्हें पता है हालत कैसी होने वाली है बस ये बताना था ये कितना बढ़िया घर है और होटल नहीं है पक्का घर ही है है ना ये स्टार्टिंग है मतलब तो रिज़ोर्ट रिज़ोर्ट की ऐसे दिखता है क्या